गोधाम कटरातल सीकर राजस्थान का मैं रहने वाला हूँ। मैं SPNF का एक सिपाही हूँ। परम आदरणीय जो है पालेकर साहब ने कई दिनों तक हमारे फार्म पे निवास किया, हमें आशीर्वाद दिया, हमने अनेक राजस्थान में उनकी जो है सेमिनारें करवाई और आज भी हम पूरे देश के किसानों का कल्याण का मार्ग SPNF को ही मानते हैं। आज मेरा पुनः आना हुआ और पुना में मैं विधाते जी के फार्म पे आके जब मिला देखा तो ये बड़े योद्धा हैं SPNF के। मुझे बहुत खुशी हुई, एक परिवार का व्यक्ति एक परिवार से मिलता है तो ऐसा लगता है कि हमारे अपने कोई हैं। SPNF ने जो सबसे बड़ा काम किया है पूरे देश के इन पागल किसानों को जोड़ने का काम किया है। पागल का शाब्दिक अर्थ है, पंजाबी शब्द है, गल कहते हैं बात को, पा कहते हैं जो पाबंद हो बात का, धुन का जो धनी हो वो पागल होते हैं। और इस देश में पागलों की पालेकर जी ने एक बड़ी सेना खड़ी कर दी है, ये देश के लिए गौरव की बात है। तो आज इस मॉडल देखा, एक कंक्रीट के पहाड़ों के जंगल के बीच में एक ऐसा स्वर्ग बना हुआ है जो देख करके हर आदमी गौरवान्वित होगा। मैं विधाते जी की सोच को, इनके कार्यशैली को नमन करता हूँ और मैं देश के आम आदमी से ऐसी अपेक्षा और अपील करता हूँ कि एक बार आके देखें, समझें और इस मार्ग को अपनाएं। देश के कल्याण का मार्ग यही है। देश महान न सरकार से होगा, न विज्ञान से होगा, देश महान केवल किसान से होगा। और किसान जब बलवान होगा, जब गो आधारित SPNF खेती को जो है अपनाएगा, गाय को अपनाएगा, तो देश के किसान का कल्याण होगा, धरती बलवान होगी, प्रकृति बलवान होगी, पंच महाभूतों की रक्षा होगी। तो ये सब कार्य करने के लिए हमें यहाँ आकर के देखना चाहिए। एक बहुत सुंदर मॉडल इन्होंने जो है समर्पण भाव से, ये सब तपस्या से होता है, इस मेहनत से नहीं होता, तपस्या करनी पड़ती, मेहनत के बहुत ऊपर जाना पड़ता है, तब ऐसे मॉडल और ऐसे सिस्टम खड़े होते हैं। लोग इनको खूब लालच दे रहे हैं, खूब प्रलोभन दे रहे हैं, शहर के बीच में करोड़ों रुपए की संपत्ति है, बेच दो, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। इन्होंने सबको मना किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ हर तरह के मॉडल को जो है SPNF की शानदार प्रस्तुति यहाँ पे दी गई है, उसके लिए मैं बार बार इनको, पूरे परिवार को, इनके बच्चे, क्योंकि अकेले के बस का काम नहीं है, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, फैमिली, पिताजी, माताजी, पिताजी, ये सब इसमें इन्वॉल्व है। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबकी सोच को जो है प्रणाम करता हूँ, इसी आशा के साथ में कि देश भर के किसान यहाँ आएंगे, देखेंगे, समझेंगे। और मैं पालेकर गुरु जी से निवेदन करता हूँ कि वो एक बार इस अपनी यात्रा में इस फार्म को जरूर सम्मिलित करें। जय गो माता, जय गो पा, धन्यवाद। अभी ये देखो, इसमें ये ढोबड़ी मिर्ची है, हरी मिर्ची है, ये लेट्यूस है और ये जेंडुए, ये सापड़ा पीक है और मेन क्रॉप ये है। SPNF के ऐसे योद्धा है, ऐसे किसान है जो उसको पूरा धरती पे उतारा है। तो इसमें देखिए, आप सब लोग देखेंगे कि टमाटर, इस सहजन का पेड़ है, सहजन की उसी नमी से, उसी गुणवत्ता से इन्होंने उसके पास में जो है टमाटर भी लिए हैं, इसके साथ में पपीता भी लिए है। अब किसान गलती क्या करता है, एक पेड़ लगा देता है, बाकी की चीज़ों को भूल जाता है, यही दुर्भाग्य है। अब आप देखिए, इसमें और कुछ और एक्स्ट्रा कुछ लिया ही नहीं, इस पेड़ को जो दिया उसी से इन्होंने तीन चीज़ें एक्स्ट्रा ले ली। तो यही हमारी जो सुभाष पालेकर जो खेती है, इसकी यही विशेषता है कि इसमें कुछ ज़्यादा लफड़ा नहीं कर। अच्छा, दूसरी ओर है, इसमें देखो ये आच्छादन कर रखा है, तो इसमें निराई गुड़ाई वेस्टेज घास का कोई कारण ही नहीं हो सकता। दूसरा, सूक्ष्म जीवाणु को प्रोटेक्शन हो गया और सब काम नेचर अपने आप करती जाती है, ज़्यादा इसमें जो है लालन पालन करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि पूरा काम नेचर आधारित है। ये पूरा बाग देखो आप, ऊपर में सहजन की है, 120 रुपये किलो सहजन की फली बेचते हैं, एक रुपया एक बीज के हिसाब से बेचते हैं। तो ये छोटा सा गार्डन का जो जगह है, इसमें लाखों रुपए की तो सहजन की फली और बीज ही बेच लेते हैं। और ये बीच में सब्जियां देखिए आप, इनकी फूल देखिए, फूल भी इनके जो है, ये फूल लगते हैं लोगों को कि क्यों बोए हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। ये फूल धरती को जो है संरक्षण देता, धरती माता को बलवान बनाता है। एक्चुअल में हमारे साइंटिस्ट क्या करते हैं कि सबसे बड़ा गुनाह ये कर रहे हैं कि वो बच्चा पालने की बात कर रहे हैं। SPNF में बच्चे पालने की बात नहीं होती, माँ पालने की बात होती है।
जब माँ बलवान होगी तो बच्चा सबसे बलवान हो जाएगा, ये SPNF का मानना है। तो ये धरती को बलवान करेगा, नेचर को मजबूत करेगा, मक्खियाँ इस पर आएंगी, और दूसरी जो है ये फूल बाजार में बिक भी जाते हैं, तो इसके अनेक फायदे हैं। जगह जगह इन्होंने पूरे नेचर का समायोजन किया है। अब आप यहाँ बीच में गन्ना भी आ गया, इस सहजन के साथ में गन्ना आया, गन्ने के साथ में पपीता आई, पपीता के साथ में टमाटर और ये फूलों के पौधे भी आ गए। तो अनेक स्वरूप जो है, अब आप इस सहजन में कहीं बैंगन देख रहे हैं, किसी में आम देख रहे हैं, और इधर देखिए टमाटर जो है ऊपर चढ़ कर गए, और छोटे टमाटर जो है ये पूरे पूरे को घेर लिया। अब इससे फायदा है कि इस पौधे की नमी भी ज़्यादा जरूरत नहीं है पानी की, ये पानी भी सबते ही मिलेगी, नमी रह जाएगी, और इनकी जड़ों को आपस में विज्ञान है, जो इसकी जड़ को जरूरत है वो इसको नहीं है, तो ये जड़ें आपस में एक दूसरे को प्रोटेक्शन करती हैं, संरक्षण सहयोग करती हैं, ये नेचर का स्वभाव है। इसी तरीके से उन्होंने पूरा, आप आगे जब हम देखेंगे पीछे, इन्होंने पूरा जंगल भी खड़ा कर रखा, जंगल में अनेक प्रजातियों के पेड़ दिए हैं। ये बहुत सुंदर स्वरूप है जो है, ऐसे लाखों की संख्या में SPNF के जो योद्धा हैं वो काम करने लग गए हैं। इसमें देखो आप, ये प्याज है, वो लहसुन है, लहसुन में यहाँ सामने जो है पीछे इन्होंने और बहुत सारी बेलें ली हैं, बीच में वो आप देख रहे हैं पालक है, पालक के उधर जो है साइड में वो टमाटर है, बैंगन है। इस लाइन में आप देखेंगे कि अनेक सब्जियां ले रखी है, गन्ना भी ले रखा है, ऐसे तुलसा जी भी ले रखी है, तो ये सब चीज़ों का समायोजन इसमें कर रखा है, और ड्रिप सिस्टम से खेती करते हैं। आप पेशे से इंजीनियर हैं, और ये बड़ा शौक है, ये संपत्ति आज की तारीख में करोड़ों रुपये की हो गई है, लेकिन ये नेचर की उपासना करते हैं। ये देखिए आप कितना सुंदर सुंदर, कितनी बढ़िया तरीके से मूली खड़ी है, बढ़िया मिर्चें खड़ी है, गोभी तैयार हो रही है, एक बार तोड़ने के बाद दोबारा भी आ जाती है। मूली के पत्तों का स्वरूप देखो आप, यही SPNF की सबसे बड़ी विशेषता है, ये एक बड़ा गौरव की बात है हमारे लिए। ऐसे ही हजारों लाखों, मैं तो कहूँ कि अब करोड़ों की बात करूँ तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं, इसमें करोड़ों किसान इस सिस्टम को अपना चुका है। मेरी सब किसानों से अपील है कि रास्ते अनेक हो सकते हैं, मैं किसी की कोई आलोचना करने के SPNF के सिपाही होने के नाते मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाता हूँ, लेकिन किसान के कल्याण का एक ही मार्ग है और वो है SPNF। उसके अलावा कोई भी मार्ग सुने समझें देखें, इसका मैं विरोधी नहीं हूँ, लेकिन चलने का काम नहीं करें, नहीं तो फिर भटकना पड़ जाएगा, अटकना पड़ जाएगा। इसलिए विधाएं सब सीखें, सब देखें, सब समझें, सबको सुने, लेकिन अपनाएं सिर्फ SPNF को। यही मेरी आप लोगों से अपील है। जय गो माता, जय गो माता।